हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन, रेयॉन के तंतु की विशेषताएं। कल हमने रेयॉन का उत्पादन पढ़ा था, आज है विशेषताएं। विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, इसमें सबसे पहला है संगठन या बनावट। ये कपास रेयॉन का तंतु सेल्युलोज से बना हुआ होता है, कपास की तरह, लेकिन जो सेल्युलोज एसीटेट होता है उसमें सेल्युलोज के साथ एसीटेट भी होता है। सेकेंड है सूक्ष्मदर्शी संरचना। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम रेयॉन के तंतु को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ये इसका उत्पादन की विधि के ऊपर निर्भर करता है कि रेयॉन कौन सा है, विस्कोस है, क्यूब्रामोनियम रेयॉन है, या फिर वो सेलुलोज एसीटेट का रेयॉन है, या नाइट्रो सेलुलोज रेयॉन है। तो जो भी विधि हो उसके अनुसार उसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना होगी। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लंबाई के अनुसार, क्योंकि आजकल नाइट्रो सेलुलोज रेयॉन का प्रयोग नहीं होता तो हमने उसके बारे में नहीं लिखा, इन तीनों के लंबाई के अनुसार क्या क्या होता है और चौड़ाई के अनुसार क्या क्या होता है ये दिखाया है। लंबाई में आमतौर पर सभी रेयॉन गोल शीशे जैसे चमकदार और एक जैसे व्यास की दिखती हैं। अब विस्कोस रेयॉन जो है उसमें लंबाई में अगर हम देखें तो बीच में हल्की लाइनें दिखाई देती हैं, चौड़ाई में देखते हैं तो वो गोल दांतेदार दिखाई देता है। क्यूब्रामोनियम रेयॉन लंबाई में बिल्कुल साफ और चमकदार दिखता है और चौड़ाई में भी वो गोल और चमकदार दिखाई देता है, कोई लाइनें नहीं होती उसमें। एसीटेट रेयॉन जो है ये लंबाई में उसके बीच में एक नली दिखाई देती है और चौड़ाई में वो लोब्यूल्स या खंडों में बटा हुआ होता है, जो उस लंबी लाइनों के बीच में जो नली है या गड्ढे जैसा ऐसा होता है। फिर है तीसरा पॉइंट लंबाई। रेयॉन का तंतु क्योंकि मानव निर्मित तंतु होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो ये लंबा है और उसकी वजह से चिकने मजबूत कपड़े इसके बनते हैं, लेकिन जो आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में तंतुओं में हमने ले लिया रेयॉन, उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं और अगर उनकी सतह उभरी हुई है, फ्लफी होती है, तो सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है मजबूती। ऊन को छोड़ के बाकी सभी प्राकृतिक तंतुओं से ये कमज़ोर है, तो ये कमज़ोर होता है और गीली अवस्था में भीग जाने पर धोने लगे तो और ज़्यादा कमज़ोर ये हो जाता है, इसलिए धोते समय इसको खास ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यास्था। इस ये जो गुण है इसमें प्राकृतिक लचीलापन नहीं होता, जिसकी वजह से जब जहाँ पर भी इस पे दबाव पड़ता है तो ये फट जाते हैं। आमतौर पर हमारे पहनने वाले कपड़ों में, कोहनी में, घुटने में और जहाँ सिलाई होती है वहाँ हम देखते हैं कि कपड़ों पर दबाव पड़ने से वहाँ से वो खिसकने या फटने शुरू हो जाते हैं। फिर है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का जो गुण होता है ये कपड़े की बुनाई और धागे कौन से यूज़ किए हैं, लंबे या छोटे, उस पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें ये गुण रेशम और ऊन से कम होता है। और इस पर हल्का दबाव डालें तो वापस अपने स्थान पे आ जाता है, ज़्यादा दबाव डालें तो परमानेंट उसी शेप में रह जाता है और तंतु कमज़ोर भी हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का साइज़ का नहीं है, किसी ने बड़े साइज़ वाले ने कपड़ा पहन लिया तो फैल जाएगा और वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा, कमज़ोर भी हो जाएगा तंतु। फिर है ताप का संचालन। ये ताप का अच्छा संचालक होता है, जिसकी वजह से हम गर्मियों में इसको आराम से पहन सकते हैं। गर्मियों हमारे शरीर की गर्मी को सूती कपड़ों की तरह बाहर निकालता है, तो गर्मियों में हम रेयॉन का कपड़ा इसीलिए पहनते हैं कि शाइनिंग तो सिल्क रेशम जैसी है लेकिन गर्मियों में पहनना आरामदायक होता है। लेकिन एसीटेट रेयॉन जो सेल्युलोज एसीटेट रेयॉन है उसमें ये गुण सबसे कम होता है। अगर इसकी कताई जो है रेयॉन के वस्तुओं की कताई स्पन रेयॉन जो होती है उसमें रोएं भी उठे हुए हों तो हम उसको गर्मियों में नहीं पहन पाते, क्योंकि वो गर्म प्रभाव देता है और सर्दियों में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है आठवां पॉइंट अवशोषकता। रेयॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण अधिक होता है, ये भीग जाने पर फैल जाता है, दोबारा सूख जाए कपड़ा तो फिर सिकुड़ कर वापिस अपनी जगह पर आ जाता है। नौवां पॉइंट है सिकुड़न श्रिंक होना। ये सूती और लिनन के कपड़ों से ज़्यादा श्रिंक होता है। दसवां पॉइंट है तापमान का प्रभाव तथा ज्वलनशीलता।
जलता कैसे है और इसके ऊपर प्रेस हम कैसे करनी चाहिए। हल्की प्रेस करते हैं, हल्के ताप से कोई हानि नहीं होती। अधिक गर्म प्रेस करते हैं तो तंतु कमजोर हो जाता है, उसकी शाइनिंग कम हो जाती है और उसके ऊपर ब्राउन रंग के जले हुए जलने के निशान जैसे हो जाते हैं। और बहुत तेज गर्म हो जैसे कि 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस पे कपास की लपटों की जैसे, जैसे कपास को आग लगाते हैं तो लपटें सी उठती हैं, उसी तरह रेयोन भी जलता है। और इसको फिर हमें प्रेस करना है तो हल्का गीला करके प्रेस करें जिससे तंतु को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद है रगड़ने का प्रभाव। रगड़ने का इस पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हानि होती है, इसकी शाइनिंग कम हो जाती है, जो सिल्क की तरह चमकता है वो कम हो जाएगी चमक, शेप इसकी बिगड़ जाएगी, इसमें छेद हो जाएंगे, कपड़ा फट भी सकता है। नेक्स्ट है धूप का प्रभाव। धूप से इसको कोई भी हानि नहीं होती है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक धूप में रखेंगे तो कपड़ा कमजोर हो जाएगा और कलर भी उसका खराब हो जाएगा, बदरंग हो जाएगा। फिर है सफाई और धुलाई। इसको सफाई कैसे करें, इसकी धुलाई कैसे करें, क्योंकि ये चमकीला कपड़ा है, शाइनिंग है, समतल सतह है, तो इसकी सतह पर कोई धूल मिट्टी नहीं रहती है। लेकिन इसको धोने के लिए हमें हमेशा हल्का साबुन जिसमें सोडा कम हो, क्षार कम हो, उसका प्रयोग करें, या डिटर्जेंट हल्का हो। और इसको कभी भी रगड़ना नहीं है, हाथों से दबा दबा कर इसको धोना है और निचोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उससे कपड़ा खराब हो जाएगा। महंगा रेयॉन का कपड़ा हो तो उसको ड्राई क्लीन करवा लें। उसके बाद है केमिकल रासायनिक विशेषताएं। केमिकल में हम सबसे पहले अम्ल का प्रभाव। तेज खनिज अम्लों से रेयॉन का तंतु नष्ट हो जाता है। हल्के खनिज अम्लों का ही प्रयोग करें और इसको अच्छी तरह से धोएं। हल्के खनिज अम्ल का प्रयोग करने के बाद उसको अच्छे से धोएं, नहीं तो कपड़ा गल जाएगा अगर उसके अंदर अम्ल रह गया। फिर है अक्षारों का प्रभाव। अक्षार जो है वो कपड़े की शक्ति और चमक दोनों को खराब कर देते हैं। और गर्म अगर सांद्रित, सांद्रित मीन्स गाढ़ा, स्ट्रोंग, अगर स्ट्रोंग घोल बना दिया, गाढ़ा घोल बना दिया, उसको गर्म भी है वो, तो कपड़ा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हल्के साबुन का प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है विरंजकों का प्रभाव। विरंजक होते हैं ब्लीच, जो हमारा सेल्युलोज एसिटेट होता है उसमें खुद में ही सफेदी होती है, पीलापन नहीं आता, तो उस पे कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती ब्लीच की। अगर कभी जरूरत पड़े तो हम हल्का हाइड्रोजन परऑक्साइड का घोल उस पे लगाएं। बाकी तरह की, अन्य तरह की रेयॉन के ऊपर हम सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच का ही प्रयोग करें। और ये ब्लीच भी कपड़े में से पूरी तरह निकाल देनी चाहिए अच्छी तरह धोकर, नहीं तो कपड़े को ये खराब कर देगी। फिर है रंगों के प्रति सादृश्यता। ये रंगों के प्रति सादृश्यता इसमें बहुत अधिक होती है। पक्के रंग इस पे चढ़ते हैं, जल्दी चढ़ जाते हैं और कलर एक समान पूरे कपड़े पे चढ़ता है, ये नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन सेल्युलोज एसिटेट जो होता है उस पे विशेष प्रकार की डाई, जिसे एसिटेट डाइज है, उनको यूज करते हैं। और सेल्युलोज एसिटेट के ऊपर रंग पक्का नहीं चढ़ता, उसको धूप और धुलाई और पसीने से उसके ऊपर नुकसान होता है, कलर खराब हो जाता है। पांचवा है कीड़े और फफूंदी का प्रभाव। कीड़े और फफूंदी जो हैं एसिटेट रेयॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बाकी तीनों प्रकार की रेयॉन के ऊपर टिड्डी या सिल्वर फिश जो है वो आक्रमण कर देती है, उसको खा जाती है। और अगर नमी है वहां पे तो फफूंदी भी लगने का डर रहता है। छठा है पसीने का प्रभाव। पसीने से रेयॉन को कोई हानि नहीं होती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पसीना अम्लीय है तो उस पसीने से कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है। अब उसके बाद है रेयॉन का प्रयोग और उपयोगिता। रेयॉन के तंतु क्योंकि रेशम की तरह चमकीले होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन सस्ते होते हैं, तो सभी वर्गों के लोग उसको खरीद सकते हैं। ये अगर रोएदार हैं, ऊपर रोए उठाए हुए हैं, तो हल्की सर्दी में पहन सकते हैं। प्लेन रेयॉन है तो गर्मियों में हम पहनते हैं, ये हमें हमारी नमी सोखते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में पसीना सोखते हैं और गर्मियों में चिपचिपाहट नहीं होती। लेकिन सेल्यूलोज एसिटेट जो है वो पसीना कम सोखता है, तो गर्मियों में उसका यूज हम कम करते हैं। इस पे सभी तरह के रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और अगर लंबे तंतुओं से कपड़ा बना है तो वो मजबूत होता है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।